ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई डैशेस बढ़ाए थे, कोई यहाँ पे मैं 5 पिक्सल लिया, 2 पिक्सल, 2 के बाद यहाँ पे ये भी गैप इतना ही था, 1 कर देते हैं। और यहाँ पे ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड जगह पे और ओके ठीक है जी। कुछ मेरी लाइन इस तरह बन रही थी, लेकिन इन पे असर क्यों नहीं हो रहा? लेकिन एक और ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन में, मेरे पास 2 लाइन है एक ही लेयर के अंदर, ठीक है। दोबारा मैं लाइन के अंदर जा रहा हूँ, ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इनका वेट कम करके देखता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक 5 तक करके देखेंगे सीधा हो जाएगा, पिक्सल करके देखें, पिक्सल काम बनेंगे, शेप भी काम का है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो हाइट है, हाइट को मैं कोई 5 पांच या 2, ठीक है। और विड्थ का खैर है, दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे मोर ऑप्शंस, यहाँ पे मैं गैप कोई 10 पिक्सल कर देता हूँ, 10 बहुत लंबा, और गैप इसमें कोई 5 का होना चाहिए। और ये लाइन कुछ मेरे पास इस तरह की बन रही है, लाइक अगर मैं चाहूँ तो इस तरह की भी हो जाए, तो इस तरह की भी आपके पास बन जाएगी। आउटसाइड करोगे तो सेंटर से करोगे तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट लेगी इस तरह से, वरना यूजुअली इनसाइड से आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो था। और उसके बाद दोबारा ये हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद और हम सीधा चले यहाँ पे, और यहाँ पे कोशिश की कि एक मॉकअप बनाए, ठीक है। मॉकअप भाई क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ऑलरेडी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा के हम अपना कोई रख दें, ठीक है। इसके लिए अब 2-4 चीजें हैं, लाइक मैं आपको कल कह रहा था कि आप न्यूयॉर्क सिटी का कुछ सीन देख लो, लाइक अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा था, साइनेजेस, ठीक है। मैं साइनेजेस दिखाता हूँ क्या होती है, साइनेजेस का इलम है पहले किसको, साइनेजेस इलम ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिजिटल साइनेज, डिजिटल साइनेज, तो ये कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। और मैं भी कुछ चाह रहा था कि इस तरह से हो ताकि थोड़ा सा हम अच्छे सा काम कर सकें। ये रहा, ये बहुत अच्छा फोटो है, एड सो, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी भी नहीं करते, कुछ इस तरह का देख लेते हैं। ओके ओके, ये हो गया, ये हो गया, अभी हाई रेजोल्यूशन में आ जाए तो मजा करेगा ये। आ गया भाई, ऐसा करते हैं कि हम ठीक है, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से, ये देखें, ये मेरे पास है। लाइक और क्या चाह रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं चाह रहा था कहीं पे अच्छी क्लियर तस्वीर हो, तो बंदा कोई एक ज़्यादा, ये कुछ है इस तरह से। अब ये थोड़ी सी पिक्सलेट लग रही है या रेंडर हो रही है, आई डोंट नो, इसका वेट कर लेते हैं, अगर ये ओपन हो जाती है तो ठीक है। अच्छा एक कंपनी है बेल्जियम की जिसके साथ मैंने डिजिटल साइनेजेस, ये देख रहे हो इस तरह के एड्स होते हैं जो एनिमेशन में होते हैं, उनके साथ मैंने कोई 2 साल काम किया था और बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। तब मुझे पता चला था कि डिजिटल साइनेज होते क्या बला है, और ये थ्रू आउट पूरी दुनिया में बड़ी पॉपुलर हैं। और मुझे पाकिस्तान में एक दोस्त मिले थे जो उनका काम कर रहे थे, और बड़ी बुरी तरह वो फेल हो गया, बहुत बुरी तरह फेल हुए। फेल होने का सबब ये था कि यहाँ पे इस चीज की कोई पे नहीं कर रहा था, लाइक वो कोशिश कर रहे थे कि कोई पे करे ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, लेकिन पे कोई नहीं कर रहा था। तो जी मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ, आई होप कि ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन दिखा रहा है।
यहाँ पे आते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल जाना चाहिए, ठीक है। मेंटर कर रहा हूँ उसको और 100% पे मैं देखना चाहूंगा कैसा लग रहा है। 100% भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक 100% पे मैंने आपको कल बताया था कि 100% पे हमेशा देख लिया करो। जिनके मैंने बताया था अभी कमेंट्स में कि मसला है, वो हमेशा 100 पे आके यहाँ पे लेफ्ट पे देख लो, ठीक है। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देख लो, ये आपको सिंपली बताएगा कि अभी कितनी रेजोल्यूशन पे भी आप हो। अगर मैं 100% पे हूँ और एक खराब हो रहा है, देखो भी 96% पे और मुझे हर जगह पे एजेस नजर आ रहे हैं, डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है? ये देखो पीछे देखो, जीप से बिल्कुल पिक्सेलेट हो रहे हैं, 106 पे बिल्कुल गया। तो मेरे ख्याल में ये मेरे काम की इमेज नहीं है, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं इमेजेस के लिए किसी और वेबसाइट के ऊपर, मेरे ख्याल पे स्प्लैश। ओके जी, यहाँ पे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वही डिजिटल साइनेज दिख लेता हूँ और होपफुली कुछ ना आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे साइनेजेस में मेरे पास देखो ये प्रीमियम इमेजेस हैं और कुछ इस तरह की। ये काम किया, लेकिन अभी ये मैं स्टैंडर्ड साइज में चाह रहा हूँ क्योंकि कैनवस मेरा ये अलाउ नहीं करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं। नंबर वन, मेरे पास यहाँ पे जाऊं क्लिक करूं और मैं इसको बताऊं भाई मुझे हाई रेजोल्यूशन का चाहिए, बात ही खत्म। गूगल वूगल जब तक दे तब तक बेहतर है, हमारे पास डाउनलोड होगी। मैं आ रहा हूं यहाँ पे कंट्रोल लो और इमेज आ गई, इमेज को मैं देख करा रहा हूँ दोबारा यहाँ पे खुल जाओ और ये खुल गई और मैं इसको लेकर जा रहा हूं हमारे मेन आर्ट बोर्ड पे। ओहो ये कमाल ही हो गया, ठीक है, ये परफेक्ट साइज है। इसको थोड़ा सा मुझे स्केल करना पड़ा और मैंने इसको यहाँ पे इंटर कर दिया। अभी देखो 100 पे, 95 पे, 112 पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हो रही है पीछे बैकग्राउंड पे अगर देखोगे, लेकिन 101 पे 100% पे मुझे कोई ऐसी नॉइज फील नहीं आ रही, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि इसी इमेज के ऊपर काम कर लेते हैं। आप सजेशन दो अगर कोई और इमेज अच्छी लगे तो उसके ऊपर काम कर लेते हैं, वरना हम इसी के ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। बताएं भाई काम किया जाए इसके ऊपर, इसके ऊपर भी आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वही इमेज डी कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई या फ्लैटर इमेजेस करेंगे राइट क्लिक करके तो आपके पास, तब भी इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई कमेंट दे रहा है, ठीक है जी। और कहाँ गया भाई, आ जाओ। ओके ओके एक सेकेंड भाई, ठीक है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक मसला हो रहा है, ठीक है। मसला क्या भाई, मेरी जो इमेज है अकॉर्डिंग टू द साइज नहीं है, ठीक है। या लाइक मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं जिस तरह ये है, यहाँ पे इमेज कर दूं लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको यहाँ तक फिक्स करते हैं, इसको यहाँ तक फिक्स करते हैं, शायद ये यूं है और ये कुछ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे स्केल करने की जरूरत है। दोबारा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सही है क्या ये पेपर यहाँ तक है ना भाई, ये पेपर पेपर और ये पेपर के साथ यहाँ पे अलाइंड है, मुझे यहाँ पे अलाइनिंग की जरूरत नहीं है शायद। फिर अच्छा थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का ट्विक करना चाहो ना तो आप कंट्रोल को सिलेक्ट करके कंट्रोल को चूज करके और यहाँ पे हल्का फुल्का सा आप कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल होल्ड एंड टारगेट, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो जहन में एक आइडिया आ रहा है, वो क्या आइडिया है
कि भाई यहाँ पे इस चीज को लूप बना दो। लूप भाई मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, एक शेप लेता हूँ, ठीक है, मैं एक शेप ले रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, स्क्वायर ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आते हैं, मैं इसको चेक मार्क करता हूँ, ओके ओके, और ये मेरे पास आ गया, देन मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ और मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरी जो यहाँ पे है मुझे जाना कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स में देखूंगा वही कंट्रोल के साथ, मैं इसको ट्विक करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला मुझे नजर आ रहा है, ये अब ऊपर से थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसका भी हल है, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, यहाँ तक और कंट्रोल, देखो ये सारी जो कॉर्नर्स है ना मैं कंट्रोल के साथ सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, ठीक है, ये यहाँ तक, आई होप ये बेहतर है काफी। मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मे बी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है, और इसी गिटार को थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँ, लाइक मेरे पास गिटार कहाँ गया, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल, ओके, फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, डिजाइन की कोई यहाँ पे बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा जो स्पेस है वो थोड़ा सा फिल है, ठीक है। तो हम इस तरह की जो बनाते हैं चीजें वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब लाइक एक चीज देखो, मैंने आपसे बात की थी मॉकअप्स की, ठीक है, वो मॉकअप्स क्या होते हैं एक्चुअली, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं जो आपके कहीं पे प्रेजेंटेशन, लाइक प्रेजेंटेशन होती है ना किसी इमेज की, उनको हम कहते हैं मॉकअप्स, ठीक है। अब लाइक मिसाल तो क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास कोई इस तरह का साइनेजर और मुझे लगा के दिखाओ कैसा लगेगा, तो आपने इस तरह से लगा के देना है। हाँ वो बात अलग है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि भाई ये तो यहाँ पे कलर ही मैच नहीं कर रहे और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है या वट एवर जो भी लग रहा है, ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पे ये एक इमेज ऐसा है जो जिसमें मुझे बहुत कम कलर्स नजर आ रहे हैं, लाइक मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, मेन इमेज कहाँ गया मेरा, और मैंने यहाँ पे कर दिया 6 सेकेंड, Ctrl Shift U, Ctrl Shift U, इसको भी कर लिया Ctrl Shift U, Ctrl Shift U क्या भाई, डिसेचुरेट, ठीक है, Ctrl Shift U डिसेचुरेट, और डिसेचुरेट मतलब जो भी आपके कलर्स हैं उनको ग्रे स्केल पे लेकर आओ, खत्म कर दो कलर्स, ठीक है। तो मे भी आपका जो डिजाइन है या जो भी है वो आपका शायद अब कुछ ना कुछ किसी हद तक बैलेंस लग रहा है, बेहतर है अब, बेहतर है, पहले बेहतर था। ये अभी बेहतर इस वजह से है कि आपको इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और आपने जो पहले साइनेज देखा था वो भी इसी तरह का कोई डिसेचुरेटेड इमेज थी, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट टाइप सी। अब इसके दो चार चीजें हैं, लाइक मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि क्या चक्कर है, नेक्स्ट में चलते हैं न्यू में, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, और न्यू डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रे स्केल पे, ठीक है, ग्रे स्केल पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कैंसिल, मैं इसको यहाँ पे जाके मैं इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चले जी ये हो गया, ठीक है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, दोबारा इसका फिल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिल में मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज, यहाँ पे कलर कौन सा आ रहा है, ठीक है, वो जो डिसेचुरेट करा था कंट्रोल शिफ्ट यू से
आप वो ही कमांड यहां से ग्रे स्केल के मोड में भी ले सकते हैं। ग्रे स्केल का मोड कैसे पता चलेगा भाई? मैं सबसे पहले यहां पे आ रहा हूं, नजर इस लकीर के पीछे टिकाए रखना, ठीक है? और ये जा रहा है यहाँ पे टैब पे। टैब पे क्या लिखा हुआ है? ग्रे 8 बिट, ठीक है? उसके बाद मेरे पास इस टैब में क्या लिखा हुआ है? RGB 8 बिट, ठीक है? और उसके बाद इस टैब में क्या लिखा हुआ है? RGB 8 बिट। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास कलरफुल आएगा वो खुद ही कलरलेस हो जाएगा। लाइक दोबारा क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा एक सी इमेज को ले रहे हैं, ठीक है? सी एंड बी, ठीक है? ये कुछ मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है? मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, इसके सारे कलर उड़ गए क्योंकि ये है ही ग्रे स्केल। अब यहाँ पे ये होता है ब्लैक एंड व्हाइट, बस इसके अलावा कोई और कलर इसको समझे कि आप एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंटर यूज कर रहे होंगे, ठीक है? जो उसी तरह का होता है, ठीक है? मैं दोबारा जा रहा हूँ अपने मेन डॉक्यूमेंट में, इस चीज के भी ऊपर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है जी? सबसे पहले हमने ये बनाया। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। चले जी, मैं इसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, वही लेवल्स है मेरे पास, लेवल्स के थ्रू मैंने इसको और बेहतर, ये ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे हो गए। या इसके अलावा मैंने दोबारा एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या है? ये एक्स्ट्रा गिटार है, ठीक है जी? इस एक्स्ट्रा गिटार को भी मैं नीचे लेकर आया, ठीक है? तो अब ऐसी लग रही है कि हाँ यार ये इमेज थोड़ी बहुत ना रियल है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि 100% हो, लेकिन फिलहाल काफी बेहतर है कि मतलब अगर किसी को अगर दिया जाए ये सैंपल तो ये नहीं कहेगा कि क्लासिक गिटार पे यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, कुछ यहाँ पे कुछ और था, ठीक है? और यहाँ पे आप इफेक्ट्स यूज कर सकते हो। इफेक्ट्स क्या यूज कर सकते हो? लाइक मेरे पास लेयर कौन सी है? ये वाली, ठीक है जी? मेरे पास ये लेयर है, एक ये लेयर है, इसको रहने देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ फिल्टर में, यहाँ पे मेरे पास होता है स्टाइलाइज, ओके जी, यहाँ पे नॉइस, ये रही। अब इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ऐड नॉइस कर सकते हैं, तो सिर्फ क्लिक करेंगे और ये मेरे पास नॉइस ऐड हो जाएगी। ये देखिए मैं इसकी अमाउंट थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी, और मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये नॉइस मेरे पास ऐड होगी, ठीक है? ये काफी है नॉइस, बहुत है। फेशियन होगी थोड़ी ब्लर टाइप से, जिस तरह होती है उस तरह यूनिफॉर्म ही, ठीक है? ठीक है, ओके जी। फिलहाल हमने इसको भी ये अप्लाई कर दिया। इफेक्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ऊपर फिल्टर में जाऊंगा तो ऐड नॉइस करूंगा तो वही इफेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये अभी चीजें यहाँ पे फील नहीं होगी, लेकिन जब इन डेप्थ आप करोगे तो अब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ भाई नॉइस तो फील हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस चीज को, ये भुरभुरा धुरधुरा जिसको कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। फिलहाल देखो ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, पूछते जाओगे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो वो चीजें आपके ऐसे ऐसे कमांड में आ जाएंगी, ठीक है? अब मुझे एक अंदाजा था कि यहाँ पे नॉइस ऐड होनी चाहिए तो मैंने ले आया, ठीक है? और नॉइस के अलावा और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। इस तरह का टेक्सचर ले लो, वो उसको मल्टीप्लाई कर दो। चलें जी कोई टेक्सचर ढूंढ लें। या ऐसा करते हैं, लेट्स से एक सेकेंड, ये हमने यहां तक देख लिया, ठीक है? मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ये मेरे पास एक इमेज आ गई, ठीक है? नीचे जो भी इमेजेस हैं मैं उसको कर रहा हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी, और मैंने कर दिया हाइड, इसको भी हाइड कर देते हैं। अब मेरे पास इमेज है ये। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वो हमने कोई जंगल वंगल वाली इमेजेस बनाई थी, ठीक है? ओके, कहाँ क्या भाई वो? ये मेरे ख्याल में ये कुछ बेहतर लगेगा,
ठीक है, और इसी इमेज को हम कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहां पे आ गया मैं, और यहां से मैंने ये लिया, देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा होने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लार्ज कर रहा हूँ यहाँ तक, और ठीक है चले जी। अब मैं दोबारा इसका पर्सपेक्टिव ठीक करने के लिए भाई क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कंट्रोल के साथ मैं इसको लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा कंट्रोल के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल के साथ इसी को ही थोड़ा जूम के साथ काम कर रहा है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ही चीजें ऐड हो जाए, ठीक है, और ये ठीक हो गया, फेयर इनफ, ठीक है। अब कल हम एक काम कर रहे थे, लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास ऑलरेडी मास्क है, ठीक है, ये देख रहे हो लेफ्ट पे, हमने कल ही इसका मास्क बना लिया था, लाइक मैं इसको अगर डिलीट करूं, डिलीट करूं और इसी इमेज के ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूं, लाइक मेरे पास ये छोटा छोटा सा आ रहा है, इसको मैं पेंट कर रहा हूं बी से, बी फॉर ब्रश, ठीक है, ब्रश का सबको पता है, किसी को कोई मसला आ रहा हो तो बता दो, ठीक है, ओके जी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, एक्स एक्स पे आने के बाद कुछ यूं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा ओहो बी एक्स, ठीक है, इस साइड पे भी मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे भी मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे अब इसका थोड़ा सा लेफ्ट ब्रैकेट के साथ मैं छोटा कर रहा हूँ उसको, सर हम ब्रश से ही पेंट करते हैं तो कलर आ जाता है, आपने यूज नहीं किया होगा मास्क के ऊपर कि आपने चेक करना होता है, ठीक है, पहले मास्क को आपने सिलेक्ट करना होता है उसके बाद ही करना होता है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और दो चार पिक्सल इसके और भी हम हटा देते हैं, ठीक है जी, और जी इंशाल्लाह एक और के मैं अपना सिटिंग जो वर्किंग एरिया है वो कर रहा हूँ चेंज, इंशाल्लाह अज़वजल आपको जो पीछे नॉइसेस सुनने में आती हैं, थोड़ा बहुत जो शोर है इंशाल्लाह आपको फेब के बाद नहीं आएगा, ठीक है, और ये नॉइसेस मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन आप पहले जब मैं आया था इस जगह पे तो यहाँ पे रश नहीं था, और इत्तफाक से जिस बिल्डर के पास अभी मैं रेंट पे हूँ वो कहते हैं कि भैया आप हमारे लिए बड़े लकी साबित हुए, और लक की बात ये कि हम आए हैं और रश होना शुरू हो गया। चलें जी, ये एक छोटा सा यहाँ पे था सैंपल, क्योंकि ये ब्रश जो है मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इस जगह पे, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि किसी और को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो भाई, एनीथिंग। मास्किंग मेरे ख्याल में जितनी असाइनमेंट्स आ रही है मेरे ख्याल में सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी, थोड़े थोड़े पिक्सल्स हैं, मसला नहीं है, मेन हमारा है कि ये नहीं शो होना चाहिए, और ये आगे से थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन दूर से ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा, दूर मतलब आपको 100% पे यकीनन फील नहीं होगा इतना, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैं दोबारा एक्स कर रहा हूँ, और ये, और यहाँ से दोबारा इसको ओहो ठीक हो गया जी, अच्छा भाई जल्दी जल्दी
ठीक है जी सर, मास्किंग अंडू कैसे करेंगे? कंट्रोल जी, हाँ जी, कंट्रोल जी होता है, वरना इसमें क्या है, दोबारा वहीं पे पेंट कर दो, क्या है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये खिड़कियां जो हैं ये थोड़ी ठीक कर दें, एक दो विंडो ठीक हो जाएगी तो शायद और बेहतर हो जाए। अच्छा, एक और काम हमने किया था लास्ट में, उस लास्ट का मैं एक टूल का नाम लिया था, उस टूल का नाम क्या था? एनीवन, कोई तो बता पाए, इंटरेस्टिंग टूल था बड़ा, कैसे बड़ा। ठीक है, खत्म, ये रह गया। जी बिल्कुल, स्टैम्प क्लोनिंग टूल है वो, और वो चीजों को डुप्लीकेट कर रहा होता है, ठीक है, और उसको भी पेंट ही करना होता है, नथिंग एल्स। अच्छा, ये चीज है, ये हमारे पास यहाँ पे ये हाथी का ये आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैम्प की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट आए करती हूँ मैं तो लेयर इनविजिबल हो जाती है, उसको दोबारा विजिबल कैसे करें है? कोई सैंपल दिखाओ, ऐसे समझ में नहीं आया, होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हो रहा है तो ठीक है, वैसे ये भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मैच कर रहा है, इसको अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आके दोबारा लेवल्स कर दिए, और कुछ नहीं कर रहा, लेवल्स ही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा स्कूल लेवल्स कर दिया। ठीक है, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए वैसे, अगर हो रहा है तो मुझे आप थोड़ा सैंपल दिखा दो, अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या बात कर रही हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मसला एक्चुअली हो क्या रहा, आप कह रही हो लेयर्स गुम हो रही हैं, लेयर्स क्यों गुम होंगी भाई, कहीं पे ना कहीं पे मसला होगा, लेकिन क्यों होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट लेयर से आ रही है, ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट लेयर से आ रही है, और यहाँ पे लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, सारी खिड़कियां ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पे, ये मसले थोड़े से ठीक हो जाए तो कुछ ना कुछ हम स्टैम्प पे आते हैं, ठीक चलें जी, ठीक है। और यहाँ पे भी मसला है, इसको भी दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है, अदर देन ऑल राइट, बहुत है मेरे ख्याल में अब तक तो, इसको जितना और साफ करते रहेंगे इसमें चंद घंटे और भी जाएंगे, फिर तो इसका हम कोई और तरीका देखते हैं कि इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं। चले जी, एक तो स्टैम्प टूल हमने यूज किया था, ठीक है, और लेवल्स वहां से आते हैं, और इकरा आप अगर फाइल शेयर कर सको तो आसानी हो जाएगी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, चलें जी, मेरे ख्याल में ये काफी है, और हमने एक मास्किंग के थ्रू और एक इमेज के थ्रू हमने एक मॉकअप बनाया। अब मजे की बात यहाँ पे ये है, मिसाल की तौर मैंने यहाँ पे इसको बनाया स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे पंजा भाई इन दोनों को कर रहे हैं कंट्रोल ई। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कंट्रोल जे, इसको कर रख रहा हूं मैं सेव, और इन दोनों को कर रहा हूं मर्ज, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको कर दिया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, ओके, ठीक है, ओपन ओपन करके मैंने ये पेंथर लगा दिया,
और मैं यहाँ पे पेंथर लेकर आया, ठीक है, ये रहा मेरा पेंथर, ठीक है, एंटर किया कंट्रोल एस, मैं वहां जाऊंगा तो मेरा पेंथर ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि मेरे पास मास्किंग का मसला है, मास्किंग मैंने सिर्फ यहाँ से ऑल्टर से ऊपर ड्रैग की तो मेरे पास ही आ, ये ऊपर से गुजर गया होगा यकीनन, लेकिन समझ में आया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हुआ क्या। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, दोबारा मैं यहां पे आ रहा हूं। मेरे पास एक तो वॉल थी, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे पास एक और ये चीज है, ठीक है। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि भाई आपके साथ समझे कि एक फाइल बना लेता है जिसको कहते हैं PSB फाइल, ठीक है, ये लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए होती है और ये आपके साथ फाइल इंटरलिंक्ड होती है आपके मेन डॉक्यूमेंट के साथ। मेन डॉक्यूमेंट में जब ये इंटरलिंक हो जाती है तो ये इस फाइल के अंदर आप कुछ भी करो, लाइक मिसाल के तौर पे मैं ओपन, कहाँ गया शेर भाई, शेर आजा, मेरे पास ये शेर आ गया और मैं इस इमेज को यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने सिर्फ इसके जो कॉर्नर्स है उनको ठीक किया ताकि उसके साथ लेवल में हो, इंटर किया, ऑपेसिटी कम की थोड़ी सी, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इनकी ज्यादा, लेकिन हमने एक पर्सपेक्टिव एंगल लिया हुआ तभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अदर देन कंट्रोल W, मेरे पास ये शेर आ गया इसी जगह पे। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ मास्क को यहाँ पे पेस्ट करना है और मेरे पास ये इमेज इस तरह की आ गई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ और हमारी जो क्लास है वो एंड हो चुकी है, ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे किसी का भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। चलें जी, ठीक है, शुक्र है आप हैं यहाँ पे। चलें जी, फिलहाल थोड़ा सा आप इस चीज को देखो और समझो कि था क्या, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। फिलहाल इसके पीछे और भी दोबारा एक क्लास के अंदर मैं एक और क्लास करूंगा जिसमें स्पेशली इन चीजों को हम जस्टिफाई करेंगे। जैसे दोबारा आते हैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेम्प टू, ठीक है, मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और नई लेयर पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, मैं यहाँ से ऊपर नीचे वाली लेयर पे आ रहा हूँ, स्टेम्प टूल, इसका शॉर्टकट S है, ये रहा स्टेम्प टूल, क्लोन स्टेम्प टूल, ये रहा क्लोन स्टेम्प टूल, ठीक है, ये आ गया। और मैंने इसका साइज सबसे पहले छोटा किया, ठीक है, सबसे पहले छोटा छोटा किया, ब्रशेस पे आया, कोई अच्छा सा ब्रश ले लो, सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं, ठीक है जी, मान ली बात। अब वहां पे एक सीन चल रहा था, वो सीन क्या चल रहा था कि भाई साल की तौर पे मैंने ये वाला जो टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला मैंने इसको यहाँ पे किया टारगेट, यहां से टारगेट किया और मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिया यहाँ पे, और मैं इसी को ही आराम आराम से नीचे लेकर आ रहा हूँ यहाँ। अब थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, यहां से आए और मैंने इसको खिड़की से यहां से कर लिया पेस्ट, ठीक है। दोबारा ये वैसे ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल में। दोबारा हम आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ब्रश साइज को, क्योंकि हमें एजेस चाहिए, जो पिक्सल्स फील हो रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम करें। दोबारा क्या करना पड़ेगा, मैं मेन में जाऊंगा, ऑल्टर के साथ मैंने टारगेट बता दिया, निशाना मेरा क्या है, सर आपका ब्रश स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव होगा, सर शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ आप करोगे तो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ऑल्टर के साथ आपने कुछ नहीं करना, ऑल्टर के साथ आपने टारगेट सेट करना है उसी लेयर के अंदर, सिलेक्ट किया, देन मैं न्यू लेयर में आ रहा हूँ, न्यू लेयर में आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ब्रश पेंट कर रहा हूँ बस, ठीक है, ये मैं पेंट करता हुआ जा रहा हूँ, मैं नीचे भी आ रहा हूँ उसको पेंट करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि, और मैं यहाँ पे भी पेंट करता हुआ जा रहा हूँ,
दोबारा मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब दोबारा मैं एक और नया टारगेट ले रहा हूँ, यहाँ से ऑल्टर के साथ यहाँ पे टारगेट लिया और मैंने यहाँ से पेंट करना शुरू कर दिया। ओहो, ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, यहाँ से दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा, पता क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा मैंने लेयर सिलेक्ट नहीं किया, ऑल्टर, और दोबारा से लिया। फर्क पड़ रहा है कुछ तो नजर आ रहा होगा कि अब वो जो चीज थी, वो जो रेड पिक्सल से, अब वो रेड पिक्सल मुझे नजर नहीं आएंगे। जिस तरह ये इस तरह की ईंटों के पिक्सल से ईंटों के पिक्सल्स नहीं आएंगे। लाइक मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ काम करना बता रहा हूँ कि किस तरह इमेजेस के ऊपर, लाइक आगे चल के आप दूसरे काम भी करोगे तो बेहतर है, आपके लिब में चीज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आ गए और इसको हमने इस तरह से पेंट करना शुरू कर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेड पिक्सल से अब वो ओवरलैप हो रहे हैं किसके साथ, हमारे जो न्यू इमेज है उसके साथ, ठीक है। तो अब ये वो जो बुरा बुरा सा लग रहा था वो अब नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये इमेज इसी का ही हिस्सा है, ठीक है जी। ये फिलहाल यहाँ तक एक इमेज हमने कुछ, एक खिड़की को हमने कुछ इस तरह से किया, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट से फील हो रहा है, तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, लेफ्ट, थोड़ा सा काम लंबा चौड़ा है लेकिन जब होगा तो अच्छा लगेगा। दोबारा यहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा, इमेज थोड़ी सी खराब हो रही है, एक सेकेंड। यहाँ पे आए, क्लिक किया दोबारा, पेंट करते हुए जाओ भाई, पेंट करते हुए जाओ। ज्यादा हो गया थोड़ा सा काम यहाँ से। वैसे बातें समझ में तो आ रही है ना आपके? ठीक है जी। तो फिलहाल हमने सिर्फ एक खिड़की को इस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है, बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा विंडो हो गई हैं। मुझे पहले बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था, अगर होता तो कभी इस तरह की इमेज में कभी भी चूज नहीं करता, लेकिन एक दफा एक क्या कहते हैं कि हमने चैलेंज ले लिया तो हमें उसको किसी हालत में भी कंप्लीट करना है। अगेन मैं टारगेट ले रहा हूँ यहाँ से ऑल्टर के साथ, न्यू में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकता है, हो सकता है थोड़े बहुत बोर हो रहे हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स आप करो, आप इस तरह करो जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास अमृत, अमृत आप मौजूद हो? तक ही मैं कर, अमृत मौजूद हो? और कौन मौजूद है भाई यहाँ पे? अच्छा अमृत, मुझे बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ, लाइक मुझे बताओ कि इस तरह का मैं डॉक्यूमेंट कॉपी करना चाहता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट कहीं और पे खुले, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? टारगेट ऑल्टर से ले रहे हैं गुलाम मोहम्मद, ऑल्टर से टारगेट लो और इसको पेस्ट करते हुए जाओ। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट भाई कैसे होगा, थोड़ा सा बताओ, कमांड तो बताओ भाई, ठीक है जी। कमांड बताओ भाई, कमांड से नहीं चलेगा। ओके, अच्छा अमृत के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और को पता भी है। सर ऊपर टैब में है, उसका नेम याद नहीं है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में आप वो टैब कौन बताएगा, एनीवन कोई टैब बता दे मुझे, को वो टैब कौन सी थी, वो टैब कौन सी थी जहां से हम डुप्लीकेट करते हैं, वो टैब कौन सी है जहां से हम डुप्लीकेट करते हैं? अच्छा जी, नहीं जी, नहीं सिलेक्ट नहीं है,
सिलेक्ट नहीं है। और कोई बताया भाई, सारे थे क्लास में, या अमृत और गुलाम मोहम्मद नहीं थे, सब थे क्लास में। ये कमांड बता चुका हूँ और बहुत काम की है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी को नहीं पता, वैसे हैरत हो रही है मुझे। नहीं नहीं भाई, ढेर कहाँ से, सच्ची में हैरत हो रही है कि पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। चले, आपको ये तो पता है कि कमांड है गुलाम मोहम्मद को भी पता है, बाकियों को पता ही नहीं है कि कभी इन्होंने कुछ बताया भी था सर ने कि भाई डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट होते हैं। वैसे नई नई बात लग रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम डॉक्यूमेंट रिपीट करना चाहें, हाँ लेयर नहीं कह रहा मोहसिन, डॉक्यूमेंट चाह रहा हूं कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास, पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट, एक नहीं दो, ठीक है। एक एग्जिस्टिंग है मेरे पास और दूसरा मैं लेना चाह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, ये भी इनफ है, ठीक है, बहुत हो गया। कार्डबोर्ड, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। फाइल के बराबर में कौन सा पैनल है, चलो ये बता दो, फाइल के बराबर में कौन सा पैनल है, और कुछ नहीं बताओ, ये बता दो। चलें जी अमृत, यही पैनल है, मेरे ख्याल में अगर एडिट का है तो मेरे ख्याल में एडिट में होना चाहिए, वैसे नहीं भी है तो देख लो, है तो इधर कहीं पे। चलें जी ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि आपकी तरफ से एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए जो सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, ठीक है, जो आपको लगता हो, आपको लगता हो कि ये किसी को पता नहीं होगा। सिलेक्ट वाला नहीं है भाई, क्या हो गया, एडिट है, एडिट में सीधा नीचे लिखा हुआ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, सिंपल लिखा हुआ सीधा सीधा। आप एडिट में जाओ, कोई भी जाए अगर कोई लैपटॉप पे है तो वहीं पे ही है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में ये भी इनफ हो गया, काफी है, बहुत मेहनत करती आज, इसका सिला पता नहीं क्या मिलेगा, इसका सिला भाई मुझे क्या मिलेगा, वैसे सिले में मुझे पालक पुलाव खाना है। नहीं है एडिट में, देख लो। सागर कुमार बता दो भाई, मैं दोबारा यहां पे आ रहा हूं। चलें जी इस क्वेश्चन पे आ जाएं, ये क्वेश्चन पढ़ लें और आंसर करें आप में से कोई भी आंसर करते। चलें जी देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। देख लेते हैं, पहले इसका आंसर करो जो अमृत ने क्वेश्चन किया, देखो क्या कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है टेक्स्ट के अंदर, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट। जी लेयर में, चलें जी लेयर में है, बाकी इनका अमृत का आंसर दे दें। तब तक मैं इससे जान छुड़ा लूं, ऑल्टर ऑल्टर के साथ
हम इसको आंसर करते हैं जब तक कि इसको चीज को मैं फाइनल कर दूं। थोड़ा लंबा चक्कर एक्चुअली इस तरह जो चीजें हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, और वंस डन तो आपका मसला हल। ऑल्टर के साथ दोबारा टारगेट ले रहा हूँ, यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर। इनके कॉर्नर्स बनाओ, इनके कॉर्नर्स चले जी। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन विनर है वो एटलीस्ट कोई और क्वेश्चन कर लें, वही क्वेश्चन कर लें, ठीक है? तब तक आई एम मेरे ख्याल में हो गया है, ये देखो अभी बेहतर है काफी। पहले से काफी बेहतर है। अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। तो फिलहाल एक्चुअली ये दिखाना मैं यही चाह रहा था, इस टाइम टूल हम किस तरह यूज करते हैं अदर देन। मिसाल के तौर पे मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? हम एक और काम करते हैं, हम एक और क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। मैं ब्रिक्स देख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ब्रिक्स, ओहो ब्रिक्स टेक्सचर, ठीक है? इसको भी हम हाई रेजोल्यूशन में ले रहे हैं। यहाँ पे आए और जी यहाँ पे काफी ज्यादा कोई 3.2 MB की फाइल है, बंस हो जाए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके जी, यहाँ पे ओपन। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिंपली यहाँ पे ब्रिक्स लगा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि लग कैसी रही है, ठीक है? और यहाँ पे आके मेरी वो इमेज कहाँ गई, धीरे इसको ऊपर लाके, और मैं इसको कर रहा हूँ मल्टी सॉफ्ट टाइप, मल्टी टाइप, इसको भी मैं कर रहा हूँ मल्टी टाइप। ठीक है, नहीं ये कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड तजर्बा करने दो। हाँ ये इसी तरह होगा, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई छोटा सा छोटा पार्ट रिमूव कर जा। हाँ क्लोन स्टैम्प मेरे ख्याल में राइट आंसर है, ज्यादा ही आपको अमृत बता सकते हैं। फिलहाल देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मेन हमारी जो दीवार है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एक टेक्सचर, ठीक है?
और उस टेक्सचर से क्या होगा कि ये जो मेरी दीवार है ये पूरी ढकी हुई लगेगी, ठीक है, जैसे इसके ऊपर आ गई है। और यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं ये हमारे जो एक्स्ट्रा हमने भी बनाए हैं, ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको भी हटा रहा हूँ। फिलहाल ये देखना चाह रहा हूँ कि ये देखते हैं कि कैसे क्या हम टेक्सचर को वाकई यूजफुल कर सकते हैं। आप भी तंग होते हो। चलो जी, अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से करनी चाहिए कटिंग, ठीक है। अब कटिंग के लिए लाइक मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अगर सीधी दीवार है तो रेक्टेंगल मेरे काम का है, वरना नहीं है, ठीक है जी। इतना सा सीधा आ रहा है, ये पार्ट मैं इसका कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है, डिलीट करो या मास्क करो अप टू यू। ओहो, डिलीट करो या मास्क करो, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट आई वाला किसी ने पूछा था तो मैं बताता चलूं कि ये देखो हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर मेरा ये जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है इसको मैं कुछ इस तरह से पार्ट मास्क कर रहा हूँ बी के साथ, दोबारा ब्रश के साथ पेंट करना चाह रहा हूँ, कितना बड़ा ऐसा है नहीं, एक्स एक्स के साथ मैं इसको कुछ यूं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और ये पूरी दीवार जो है ना हम यूं कर देते हैं, ठीक है जी, ये पूरी दीवार है और बाकी ये जो भी बना हुआ है इनका अपना है, ठीक है जी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये हमारी दीवार है जिसके ऊपर हम कब्जा जमा चुके हैं, के यहाँ पे ऊपर क्या है मेरे ख्याल में इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा हम सेट कर लें तो बेहतर है। ये आ गया यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये नीचे से यहाँ तक मेरे ख्याल में ठीक है, बहुत है इनफ। मैं कर रहा हूँ एंटर। अब ये वाला जो मास्क है मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये वाला मास्क किस तरह पेस्ट होगा, मुझे कोई आंसर कर सकता है? ये वाला जो एग्जिस्टिंग मास्क है, ये वाला मास्क मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, तो ये किस तरह आएगा खिड़की के अंदर, खिड़कियां लाने के लिए ये जो हमारे पास विंडोज है ये मैं लाना चाह रहा हूँ, ये किस तरह आएंगी? एनीवन, किसी के पास आंसर है? नहीं, देखो कॉपी मास्क, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे मास्क पे आके कंट्रोल बैक स्पेस। अब यहाँ पे एक और सीन हो रहा है कि मेरे पास क्या मसला हो रहा है कि मैंने जो ऑलरेडी सिलेक्शन की थी, ठीक है, वो भी हट रही है। दोबारा करके देखते हैं, मैं एक्स कर रहा हूँ दोबारा, अब देखते हैं क्या होता है, बाकी पार्ट था वो भी मेरा चला गया। अब मैं यहाँ पे मे भी ब्रश के साथ पेंट करूं तो कैसा रहता है? मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने पेंट करना शुरू कर दिया, ऐसे होना नहीं चाहिए जो अहो। नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, मैं ओपेक दोबारा बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ये चीज आ रही है और मैंने इसको रिमूव करना है, दोबारा बी के साथ यहाँ पे एक्स और सी के अंदर, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, वैसे नहीं होना चाहिए। ओके जी, मेरे पास ये सिलेक्शन है, कंट्रोल जी एक और करते हैं, मेरे पास ये सिलेक्शन ऑलरेडी बनी बनी हुई है, इसी को मैं यहाँ पे आके यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देता हूँ। ये पेंट इसके अंदर हो क्यों नहीं रहा, वैसे होना तो चाहिए, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, ये देखो इस सिलेक्शन के अंदर पेस्ट ही नहीं हो रही। दोबारा मैं जलता हूँ बाहर और अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। दोबारा यहाँ पे आए और मेरे पास थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऑलरेडी है, मैं इसको भी वाइट कर रहा हूँ फिलहाल एक्स, ताकि हमारे पास जो एजेस हैं वो सारी स्मूथ रहें, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मसले हैं, यहाँ पे भी मैं इसको दुरुस्त कर लेता हूँ। ये पूरा बॉर्डर आ गया, ये पूरा बॉर्डर आ गया, जाते 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 यहाँ तक ये प्रॉब्लम आपको भी आया था, ठीक है जी, मैं भी देख रहा हूँ।
दोबारा क्या मसला है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ली कंट्रोल के साथ, ठीक है, और दोबारा मैं चलता हूँ आपके, मिसाल के तौर पे मैं इसी की जगह पे मैं पेंट करना चाह रहा हूँ इसी मास्क के अंदर, लेट्स से। ओ भाई हट जाओ, ये तो पता नहीं कहाँ से ही मैसेज। ठीक है जी, ये मेरे पास है और मैं यहाँ पे पेंट करना चाह रहा हूँ, ये क्यों आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, ये क्या चक्कर है, ये मेरे बात भी पल्ले नहीं पड़ी, किस तरह क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक तो ये है मास्क, लाइक मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, और ऐसा करते हैं कि एक मेरे पास न्यू लेयर है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, और अब ये तो हो रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ रही है बात, ये बॉक्स से आउट नहीं हो रहा, एक्स करूँ तो भी आउट नहीं हो रहा। ठीक है भाई, दोबारा आते हैं हम यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ही ऊपर लेकर आ रहा हूँ, सबसे ऊपर। अब मैंने ली ये सिलेक्शन, ये रही है, ली मैंने सिलेक्शन, दोबारा मास्क की तरफ आया और पेंट, ये क्या चक्कर है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ओहो ओहो ये था, सिर्फ इन्वर्ट इन्वर्ट करना था, इन्वर्ट सिलेक्शन थी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आए, और कोई मसला नहीं था, कंट्रोल शिफ्ट आए, ठीक है जीएम, ये कंट्रोल शिफ्ट आए, ठीक हो गया, और ये मेरे पास मास्क बन गया। दोबारा अब क्या करना चाहते हैं हम भी यहाँ पे आए ऊपर, इसको लेकर आए, और मैंने इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन था, डी कर रहा हूँ मैं इसको, और जी यहाँ पे और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि हमारी जो मेन दीवार है वो दीवार कुछ यहाँ तक दिख रही है, ये देखो ये पोस्टर कुछ यहाँ तक दिख रहा है, बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो अलग है, लेकिन हमारा जो टेक्सचर जा रहा है वो पूरी दीवार के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक और हमें यहाँ से एक और करना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, और दोबारा मैं इसी सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा अगर मैं पेंट करूं तो देखें क्या आता है मेरे पास, रिमूव हो रही है दीवार, ओहो रॉन्ग लेयर, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, चलें जी ये भी रिमूव हो रही है, ठीक है, मैं दोबारा इनको भी रिमूव कर रहा हूँ, इन पार्ट्स को भी रिमूव कर रहा हूँ, कि हमारा जहाँ पे है काम वहीं तक ही हम उसको अप्लाई कर सकें। ओके जी ये रहे, ठीक है, यहाँ तक आ गए, तो डी और जी मेरे पास ये कुछ इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं अभी, इसको अगर फिर डाल 100% करूँ तो कैसा दिखेगा, हो जा भाई, तो मेरे ख्याल में वैसे बेहतर है, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है वैसे, ऑपेसिटी कम करें, चलें जी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, लेकिन ये डार्क का तो मसला नहीं है, डार्क तो हमने ब्लेंडिंग यूज किए हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसको मैं डिसेचुरेट कर देता हूँ तो ये कैसा लगेगा, अब कैसा लग रहा है, यहाँ पे आया मैंने कर दिया यहाँ पे, ओहो ओहो ओवरले, कौन सा चैप्टर हो रहा है भाई, इसको नहीं करना मुझे, इसको करना है, ये आया मजा, कमाल है भाई, अब ऐसे रिजल्ट हैं कि बट रियलिस्टिक नहीं लग रहा ज्यादा, और कितना लगना चाहिए भाई, आपकी पूरी जो ईंटे हैं ईंटे और किस तरह होनी चाहिए, ये देखो अपनी जगह पे फिट बैठा हुआ, ये देखो दिख रहा, आप बताओ
हाँ वो तो है, ये तो मुझे भी पता है, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब इसका क्या चक्कर था एक्चुअली, लाइक मिसाल के तौर पे मैं इसी की यहाँ से मास्किंग हटा देता हूँ। लाइक ये मास्किंग कहाँ पे, मेरी यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे आके मास्किंग में थोड़ी सी इसके हटा रहा हूँ। मास्किंग ये थी, ये रही ब्रिक्स, एडिट किया है यहाँ, और क्या होना चाहिए। चले जी, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे लेट्स से कॉर्नर्स भी यहाँ से कट रहे हैं, ये ब्रिक्स हमारी जिस तरह आ रही हैं उसी तरह कट रही हैं। आपको क्या फील हो रहा है कि कलर्स भी मैच नहीं हो रहा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइट भी आ रही है, ये भी ठीक है, यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है, और क्या होना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ी सी कंट्रास्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी, और ब्राइटनेस कम कर देता हूँ फिलहाल, साल के तौर पे, ताकि मैच हो, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैच हो। अगर इसको सिर्फ करते हैं तो कैसा लगता है? अब बेहतर है, मेरे ख्याल में एक और एडजस्टमेंट लिए लगाते हैं, वो लगाते हैं हम किसकी किसकी किसकी, हाँ एक और एडजस्टमेंट लिए लगाते हैं जो ओवरऑल लगेगी, वो लगेगी हमारी भाई ऑरेंज कलर की, या येलो, येलो मेरा कहाँ है, ये कौन लगाते हैं जो फोटो मोड को पूरे को एक जैसा कर देगा। बहुत ज्यादा हो गया ये, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ, तो ये और ले लेते हैं ब्लू सा। देखो अब क्या कहते हो, कहाँ गए कमेंट्स? बता दो भाई जल्दी से अपना सजेशन दो, बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, काम का नहीं है। सर येलो सही था, येलो येलो, चलिए येलो कर देते हैं, येलो कर देते हैं, कोई वो मसला नहीं है। ये यहाँ पे आया और येलो हो गया, ठीक है जी, ये येलो हो गया। चलें जी, न्यूयॉर्क में आ गए आप। कुछ लग रहा है कि भाई ये इमेज इसी का ही हिस्सा है टेक्सचर एक्चुअली यहाँ पे। सर ब्रिक वाला पैटर्न अगर पूरी वॉल पे, ओ भाई इतनी मेहनत नहीं हो रही मुझसे, बहुत टाइम लग रहा है। यही देखो कितना 5:30 यहाँ पे हो गए। ये वो काम होता है जब मतलब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर बैठो और काम करो, ठीक है। प्रीवियस वन वाला भी क्रिएटिव एंड एडिटिव था। चले जी, वेरी गुड। अदर देन मेरे ख्याल में बहुत है भाई, किसी को अगर दिखाना चाहो तो ऐसा करो आप मुझसे नहीं पूछो, आप किसी अपने दोस्त को दिखा दो, वो देखो क्या कहते हैं। क्योंकि एक चीज ना आपके सामने बनती है, आप एक एक चीज को देख रहे हो तो आपके माइंड में ना वो बात पड़ी हुई है कि ये इस तरह का है, लेकिन किसी नए बंदे से यही चीज आप बना के देखो तो होपफुली आपको कुछ और ही आंसर मिले, ठीक है। अदर देन ये ब्रिक वाला टेक्सचर सिर्फ मैंने इस वजह से लिया क्योंकि अब छोटी छोटी ब्रिक्स वाला टेक्सचर ढूंढने में ही हमें आधा घंटा लग जाता कि कौन सी इमेज ठीक है, कौन सी बुरी है, कौन सी ठीक है, तो भी हो जाता है, वरना एक और सिलेक्शन बना बना के। हाँ तो अब ऐसा करना, किसी अपने फ्रेंड को दिखा दो, घर पे हैं, भाई को दिखा दो, बहन को दिखा दो, वट एवर जो भी है दिखा दो उसको कि कैसा लग रहा है, मैंने बनाया, अपने नाम कह दो कि मैंने बनाया है, और ये किसी दीवार पे लगा हुआ है, किसी अंग्रेज ने जाके उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने बनाया है। मैं भी इसी तरह बात कहता हूँ, देखो क्या कमेंट्स मिलते हैं, वो कमेंट्स आप मुझे बता देना। इस तरह आपका भी एक वो है कि आइडिया अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक जिसका ग्राफिक डिजाइन से ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं है और वो झट से पहचान ले कि नहीं भाई ये तो ठीक है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल अब ये चीजें हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवाना चाह रहा था।
अदर देन एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, मिसाल के तौर पे हम इस एलिफेंट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। लाइक ये तो फाइल खुल गई, ठीक है। ऐसा करते हैं कि ये यहाँ पे भी, ठीक है। चलें जी, एक और इमेज ले रहा हूँ, मैं जल्दी में ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं लेता हूँ शिप, लाइक शिप्स। चले जी, ये आ गई मेरे पास, ये आ गई शिप, ठीक है। ओ ये तो भाई पेड वर्जन है, इसको क्या कहते हैं भाई, बोट्स, BOTS। चलो बोट्स आ जाओ। और जी छोटी बोट को क्या कहते हैं, एक तो होगी बोट, दूसरी छोटी बोट को क्या कहते हैं। चले जी ये आ गया, चले जी हम ले लेते हैं छोटी बोट, ये आ गए हम यहाँ पे। मैं न्यू कर रहा हूँ, ठीक है, मिनी बोर्ड। चलें जी मिनी बोर्ड आप खुद ले लेना। मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट की, ठीक है। अब स्टेम टूल का जादू देखो, वहां पे शायद आपको कम समझ में आई हो, यहाँ पे देख लो मेरे पास ये आ गया स्टेम, S फॉर स्टेम टूल, S ये स्टेम टूल है, ठीक है, क्लोन स्टेम टूल। यहाँ पे आए ऑल्टर के साथ, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको टारगेट भी दिखा रहा है कि भाई आपने कहाँ से चीज ली और ये आपके पास बोट आ गई। क्या ख्याल है आपके पास, और मशीन आ गई, ठीक है। इसका मेन काम ये है, ठीक है, समझ गए। अगर आपने कुछ और लेना है, लाइक ये बोट लेना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रश से यहाँ से पे आपने टिक करना है या टारगेट लेना है, ये टारगेट ले लिया आपने, ठीक है। आप ये ले लो, आप यहाँ नीचे से रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हो, ये ले लो, एक नई लेयर ले लो, आप जहां पे बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये बन गए, मेरी एक और बोट आ गई। अगर एक ही क्लिक में बनाना चाह रहे हो, ब्रश बड़ा रख दो, ये आ गए इतना यहाँ पे। चलें जी एक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक पे लेकर आ रहा हूँ, इसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गए और मेरे पास बोट आ गई, ये बोट आ गई, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना, मैं यहाँ पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ ना, जहां पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर आप ये छोटा सा ये निशान देख रहे होगे, सेंटर वाली जो आप देखोगे वहां पे टारगेट का एक निशान बना हुआ है, एरो प्लस साइन बनी हुई है, प्लस साइन नजर आ रही है और वो हिलती हुई नजर आ रही है, देखो घूम रही है ऊपर नीचे नहीं, ऊपर सेंटर वाली जो बोट है नजर आ रही है। अच्छा वो, इसका कहने का मकसद ये है कि यहां से मैं डेटा कॉपी करके आपको नीचे वाले टारगेट में दे रहा हूं, वहां से कॉपी कर रहा है, लाइक वहां से क्लोनिंग कर रहा है और यहाँ पे पेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपकी स्टैंपिंग हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब जी असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं, ठीक है, और इसको आप छोटा बड़ा कर दो, व्हाटएवर जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते। सर सिलेक्ट कैसे होगा, S भाई, S ये रहा ना, ये हम यहाँ पे आ गए, ये रहा, ठीक है। येलो लाइन को फॉलो करो, इसको फॉलो करते हुए जाओ और ये मेरे पास कोई छठा सातवां ऑप्शन है, ठीक है। पैटर्न स्टेम टूल का भी बताएं, अगली क्लास में आओ, इन चीजों को और भी हम करेंगे, ठीक है। वो भी काम की चीज है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा टूल्स की तरफ आ रहे हैं, उसके बाद फिल्टर्स की तरफ, और उसके बाद काम अच्छा दिखाओ तो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी आ जाए, ठीक है। अब असाइनमेंट्स भाई क्या है, असाइनमेंट भाई क्या है, एक इस तरह की आपने इमेज देखनी है, और कहाँ गया भाई, ये रहा, इस तरह की आपने एक इमेज बनानी है, ठीक है। उसको किसी भी बैकग्राउंड पे, वॉल हो, वट एवर जो भी सूटेबल हो, कहीं पे बिलबोर्ड हो, जो भी हो, वहां पे आपने इसको एडजस्ट करना है और इस तरह पे आपने लेकर आना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने सेकंड क्या करना है, क्लोन स्टैम्प की एक इमेज बनानी है, लेनी है, जिसमें आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी एंड पेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस
प्लेसेस पे। ठीक है, असाइनमेंट समझ में आ गई, मंडे तक आपने किसी तक। सर डायरेक्ट सर मॉकअप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हो। असाइनमेंट समझ में आ गई, मंडे तक आपने किसी हालत में भी सबमिट करवा देनी है। नंबर वन, इस तरह का आपने कोई कोई आर्टवर्क बनाओ नया सा, और उसको किसी बिलबोर्ड या इस तरह की वॉल, वट एवर जो भी सूटेबल लगे वहां पे आपने पोस्ट करना है। देन एक और इमेज लेनी है जिसमें आपने क्लोनिंग करनी है, इस तरह की क्लोनिंग करनी है, लेकिन ये अभी साफ शफाफ नहीं है। आपने कोई साफ सुथरी क्लोनिंग करनी है जिसमें ऐसा फील हो कि भाई मैंने नंबर ऑफ बोट्स बढ़ा दी, या नंबर ऑफ बर्ड्स आसमान में थे मैंने वो बढ़ा दिए, और कोई भी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने ज्यादा करना है। ठीक है, क्लोनिंग की हेल्प से। तो अब तक के लिए इतना था, कोई और क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप अवेलेबल है और बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी अवेलेबल हैं, किसी को कभी भी हेल्प चाहिए एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, और प्राइवेटली भी अगर आप मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, और बहुत बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।